हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल आई मास कंप्यूटर एजुकेशन में। तो दोस्तों, हमने पिछले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। क्या पढ़ा था? ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। उसमें हमने क्या पढ़ा? इनपुट डिवाइस, फिर सीपीयू यानी प्रोसेसिंग डिवाइस, और फिर हमने क्या पढ़ा? आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो आइए आज हम सीखते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। हम आपको बताया था ना कि विस्तार रूप से आपको नोट्स के साथ बताया जाएगा कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। तो देखिए, इनपुट डिवाइस बताते हैं आपको, एक मिनट। देखिए, इनपुट डिवाइस यही है। इनपुट डिवाइस द डिवाइस विच यूज टू गिविंग इंस्ट्रक्शन या इनपुटिंग डाटा टू द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड इनपुट डिवाइस। यानी वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश यानी इंस्ट्रक्शन या इनपुट देता है, इनपुट डेटा देने के लिए उपयोग किया जाता है, इनपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। हमने कल कीबोर्ड के बारे में बात किया था, यानी पिछले वाली क्लास में हमने कीबोर्ड और माउस के बारे में बात किया था। माउस क्या? माउस पॉइंटिंग डिवाइस है, यानी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यानी जो भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक काम हो रहा है, इसको सेलेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? तो माउस कर रहा है, यानी मेरा पॉइंट है। ये क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस। आप कर्सर भी लाते हैं तो क्या है? ये पॉइंटिंग डिवाइस है। यहाँ से हम कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। कीबोर्ड से काम क्या होता है? तो कीबोर्ड से काम होता है लिखने का, यानी कोई भी चीज़ हम लिखे हुए हैं, जो भी चीज़ आपको दिख रहा है वो चीज़ लिखे हुए हैं, वो किससे लिखा है? तो कीबोर्ड से लिखा है। कैमरा क्या होता है? देखिए, अभी जो आपको मेरा फेस दिख रहा है वो वेब कैम है, यानी कैमरा यानी बाहर के चीज़ों को क्या दिखा रहा है? आपके सिस्टम के अंदर दिखा रहा है, यानी आपके मोबाइल, आप मोबाइल पर देख रहे हैं तो आपके मोबाइल पर दिखा रहा है। वैसे ही लाइट पेन हो जाता है। जैसे कोई भी पेन देखे होंगे कि डिजिटल बोर्ड पे बाहर से उगाते हैं तो अंदर यानी बोर्ड पे लिखाता है, उसी को बोलते हैं लाइट पेन। जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव मॉनिटर, टच सेंसिटिव मॉनिटर आपका मोबाइल हो गया। जैसे टच कर रहे हैं, ऊपर से कोई काम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इनपुट, वो डाटा को इनपुट कर रहा है। तो क्या है? इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। यानी पूरा कंप्यूटर सिस्टम आपके मोबाइल में ही है, यानी पूरा कंप्यूटर आपके मोबाइल में ही है। आइए आगे देखते हैं। आगे ये मेरा ऑफर है आई मास कंप्यूटर एजुकेशन, जो आपका ऑफिस एड्रेस है गोला रोड हैदराबाद। न्यू ईयर का ऑफर चल रहा है, जो कि एडीसीए वन ईयर कोर्स 4000 रुपये में है। जो कि ऑफर में क्या है? तो आपको 16 GB पेन ड्राइव फ्री है। 16 GB पेन ड्राइव क्या है? फ्री में मिल रहा है। आप आकर क्लास कर सकते हैं। न्यू बैच 3 जनवरी से हो रहा, और फुल डिटेल लेना है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आइए यहाँ है। अच्छा, एडीसी सिलेबस भी इसमें ऐड किया गया है। देखिए, जैसे एडीसी 12 मंथ का सिलेबस होता है, जैसे आपका यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस, सेकेंड सेमेस्टर सिलेबस है, जिसमें आपको बताया जाएगा कंप्यूटर फंडामेंटल, बेसिक कॉन्सेप्ट, एमएस पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस ऑफिस 2013। पाइए यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में तो इंटरनेट, मेल, फोटोशॉप, पेज मेकर, कोरल ड्रा, टैली और एक HTML जो। ये चलिए आगे देखते हैं, पढ़ते हैं। यह इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण जो आपको यहाँ पे माउस है, एक कीबोर्ड है, और यह आपका माइक है, माइक्रोफोन। यानी जी देखिए, यहाँ पे माइक्रोफोन लगा हुआ है, ये इससे आवाज जा रहा है, यह भी क्या हो रहा है? इनपुट हो रहा है। वेबकैम भी क्या है? इनपुट ही डाटा है। यहाँ वेबकैम नहीं दिया हुआ है। यह है आपका जॉयस्टिक, जो जॉयस्टिक बात हुआ था, क्या होता है? गेम खेलने का काम होता है। जो भी आप गेम खेल रहे होते हैं वो पीसी पे कंट्रोल होते हुए रहते हैं, यानी इधर से घुमा रहे हैं, मूव कर रहे हैं तो उधर मूव हो रहा है। यानी जो भी कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं? बाहर से कर रहे हैं, लेकिन काम कहाँ हो रहा है? अंदर। तो क्या हो रहा है? ये डाटा को क्या कर रहा है? इनपुट कर रहा है। इसलिए जॉयस्टिक क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। यानी कोई भी डाटा को इनपुट करता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। ये आपका स्कैनर हो गया। स्कैनर क्या है? जैसे आप 2 कॉपी करवाने जाते होंगे, जैसे आधार कार्ड का सेम टू सेम पेज पे निकल जाता है, तो क्या होता है? वो रखता है, स्कैनर पे रखता है, तो क्या होता है? वो आपका क्या है? स्कैनिंग कर रहा है, यानी डाटा को क्या कर रहा है? अपने अंदर ले रहा है, तभी उसको क्या कर रहा है? निकाल रहा है। तो स्कैनर भी क्या हो गया? इनपुट डिवाइस हो गया। आइए आगे पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग डिवाइस, थोड़ा सा एक मिनट इसको ऊपर हल्का करते हैं। देखिए, प्रोसेसिंग डिवाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे पेज, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका है, यही है प्रोसेसर, जो कि सीपीयू में अंदर लगा हुआ रहता है।
सीपीयू इसी को बोलते हैं, छोटा छोटा प्रोसेसर, यही प्रोसेसिंग डिवाइस जो भी काम करता है प्रोसेसिंग का यही काम करता है, ठीक है, यही करवाता है। तो प्रोसेसिंग डिवाइस इज द डिवाइस विच इज यूज टू प्रोसेस द इनपुटेड डाटा, प्रिपेयर्स द रिजल्ट अकॉर्डिंगली एंड प्रोड्यूस द आउटपुट। यानी कहने का मतलब है कि प्रोसेसिंग डिवाइस वह उपकरण है जिसका उपयोग इनपुट किए गए डाटा को संशोधित करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी इनपुट डाटा हम दे रहे हैं उसको संशोधित कर उसी के अनुसार रिजल्ट तैयार कर देता है, परिणाम तैयार कर देता है, और किसको देता है, आउटपुट को देता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस क्या कर रहा है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित करता है। और प्रोसेसिंग डिवाइस को सीपीयू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आउटपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस द डिवाइस विच इज टू गेटिंग द आउटपुट या रिजल्ट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। कह रहा है कि वह उपकरण जो कंप्यूटर सिस्टम से आउटपुट या परिणाम को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है आउटपुट डिवाइस कहलाता है। इसमें कोई झंझट नहीं, यानी जो आपको दिखा रहा है, जो कंप्यूटर सिस्टम से डाटा को ले रहा है, आउटपुट को ले रहा है, परिणाम को ले रहा है, यानी रिजल्ट को ले रहा है, उसी को क्या कहेंगे, आउटपुट डिवाइस। देखिए आउटपुट डिवाइस का उदाहरण यह है, ये देखिए ये प्रिंटर है, ये ऊपर वाला यहाँ पे क्या होता है, स्कैनर लगा हुआ रहता है, यहाँ से आपको पेज निकाल कर देता है। तो क्या है, ये पेज जो निकाल कर दे रहा है वो आपका है प्रिंटर, यही प्रिंट करके निकाल के दे रहा है, ये पूरा प्रिंटर है लेकिन इस पे ऊपर स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो आपका आउटपुट हो गया, यहाँ से इनपुट हो गया, और यह आपका स्पीकर पूरा आउटपुट है, मोनिटर है आपका, ये भी आपका क्या है, आउटपुट है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इतना अच्छा सा इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं आपके लिए और आप लोग शेयर नहीं करते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।